तो दोस्तों Realme 3 Pro और Realme XT के लिए 100% Realme UI अपडेट रिलीज करने के बाद Realme ने एक बार Realme 5 Pro यूजर्स के लिए एक बार फिर से अपडेट रिलीज कर दिया है, यानी कि Realme 5 Pro और Realme X दोनों ही यूजर्स के लिए Realme UI के अपडेट जो है वो रिलीज हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं Realme 5 Pro यूजर्स के लिए कि कौन सी अपडेट वर्जन है, कितने GB की है और क्या कुछ आपको इसमें देखने को चेंज लोग मिलेंगे और कैसे आप इसे अपडेट कर सकते हैं अपने डिवाइस में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले घंटी को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह से आप अपडेट कर पाएंगे Realme 5 Pro को Realme UI में, यानी कि एंड्रॉइड Q में। तो दोस्तों Realme 5 Pro यूजर्स के लिए जो अपडेट रिलीज की गई उसकी अगर हम वर्जन की बात करें तो यहाँ पे C01, जैसा कि Realme UI के सारे अपडेट्स जो रिलीज किए जाते हैं किसी फोन के लिए उनका वर्जन ही होता है C01। और यहाँ पे अगर हम बात करें डाउनलोड साइज की तो इस अपडेट की जो साइज है वो 3.51 GB की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस एंड्रॉइड क्यू के अपडेट में आपको क्या कुछ मिल जाता है, सबसे पहले कलर ओएस 7 पे ये बेस्ड है एंड्रॉइड क्यू की अपडेट, यानी कि कलर ओएस को ही मॉडिफाइड करके रियलमी UI बनाया गया है। क्योंकि आपको Realme UI में जो है मैक्सिमम फीचर्स देखने को मिलेंगे, जब चाहेगी Realme जो भी फीचर्स चाहेगी आपको प्रोवाइड करा पाएगी आसानी से, इसीलिए इस तरह से इसे मॉडिफाई किया गया है। एंड्रॉइड क्यू पे बेस्ड है ये अपडेट। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस अपडेट के रोल आउट की तो अपडेट जो है कल ही रोल आउट हुआ है। Realme के CEO माधव सेठ ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी ऑफिशियली कि अपडेट जो है Realme 5 Pro यूजर्स के लिए रिलीज हो गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें अपडेट प्रोवाइड होने की तो अपडेट जो है फर्स्ट बैच अपडेट में रिलीज की गई है और ऐसे में हो सकता है धीरे धीरे, जैसा कि Realme 3 Pro Realme XT यूजर्स के लिए बहुत दिनों तक अपडेट मिल रही थी, यानी कि 15-20 दिन से ऊपर लगे थे सारे यूजर्स को लेते हुए, तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ होने वाला है Realme 5 Pro यूजर्स के साथ भी। आपको अपडेट आते आते 20 दिन का वक्त लग सकता है, तो इसलिए अपने सिस्टम सेटिंग के अपडेट वाले सेक्शन में जाकर चेक करिए। और कहीं पे भी अगर मैनुअल अपडेट की लिंक आती है तो वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल जो है मैनुअल अपडेट की लिंक कहीं पे प्रोवाइड नहीं कराई गई है, तो इसलिए हम इसे प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले यानी कि 26 फरवरी को एक अपडेट रिलीज की गई थी, एक छोटी सी अपडेट थी, और वो अपडेट इसलिए दी गई थी कि ताकि कोई भी परेशानी अगर होती है अपडेट के समय एंड्रॉयड क्यू की तो उसे सॉल्व किया जा सके और उसको जो है कंपेटिबल बनाया एंड्रॉयड क्यू के अपडेट रिसीव करने के लिए। तो वो वाली अपडेट अगर आपको मिल चुकी है तो बहुत जल्द ही आपको रियलमी UI के अपडेट देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर वो 26 तारीख वाला अपडेट नहीं मिला है तो आपको डिले अपडेट्स मिलने के चांसेस हैं। दोस्तों बात करते हैं Realme UI के फीचर्स की, तो यहाँ पे फीचर्स जो है आपको कलर ओएस 7 वाला ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया है, लगभग सारे एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करके कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, बाकी सब सेम देखने को मिलेंगे, बस एंड्रॉयड क्यू में आपका फोन जो है अपग्रेड हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें मैनुअल अपडेट की तो दोस्तों मैनुअल अपडेट जो है अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे ही लिंक आ जाती है कहीं पर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा देंगे। किस तरह से मैनुअल अपडेट करना है इसकी वीडियो मैंने Realme 3 Pro XT यूजर्स के लिए बना रखी है, सेम उसी तरह से आप जो है मैनुअली अपडेट कर पाएंगे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट Realme 5 Pro यूजर्स के लिए कि Realme UI कलर ओएस 7 पे बेस्ड रिलीज हो चुकी है। आपको बहुत जल्द ही सिस्टम सेटिंग में अपडेट वाले सेक्शन को चेक करते रहिएगा, बहुत जल्द ही आपको मिल सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, थैंक यू।